हे दोस्तों वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्टॉक्स फॉर टुमारो लेसन 19 बियरिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बियरिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है बियरिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडलस्टिक से मिलकर बनता है इसमें पहली कैंडल ग्रीन लॉन्ग बुलिश कैंडल होती है और सेकेंड कैंडल डोजी होती है जो की एक प्लस साइन जैसे दिखाई देती है इसमें फर्स्ट कैंडल मारा बुजू भी हो सकती है बट सेकेंड कैंडल डोजी ही होंगी इस पैटर्न को बियरिश डोजी स्टार कैंडल पैटर्न कहते हैं बियरिस डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है बियरिस डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न अब ट्रेंड के चार्ट में टॉप आरोप दिखाई देता है इसके दिखाई देने का मतलब यह है के अब ट्रेंड जल्द ही खत्म होने वाला है और डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने जा रहा है बियरिस डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरीके ऐसी काम करता है चार्ट ऐसी समझते है मार्केट में अब ट्रेंड चल रहा है और चार्ट के टॉप पर बियरिस डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बना है और इसकी नेक्स्ट कैंडल बियरिश डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे आने के बाद ही हमें इसमें कोई भी ट्रेड लेना है जैसे ही हम इसमें कोई ट्रेड लेते हैं हमें बियरिस डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के सेकेंड कैंडल के टॉप का हमारा स्टॉप लॉस लगा देना है या टू परसेंट का स्टॉप लॉस लगा देना है बियरिस डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट में किस तरीके से वर्क करता है इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड चल रहा है की टॉप पर बियरिस डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बना है और उसकी नेक्स्ट कैंडल बियरिस डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के फर्स्ट कैंडल के नीचे क्लोज हो रही है तो इस टाइम पर हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं जैसे ही हम इसमें ट्रेड ले हमें बियरिश डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के सेकेंड कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा देना है और हमें वेट करना है जब तक के कोई बाइंग का सिग्नल न दिख जाए तक के हमें हमारा प्रॉफिट बढ़ते हुए देखना चाहिए जैसे ही कोई ऐसा सिग्नल दिखाई दे जो ट्रेंड चेंज करने वाला हो हमें उसी वक्त उस ट्रेड को क्लोज करके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए नोट पॉइंट वन बियरिश डोजी स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में फर्स्ट कैंडल लॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल होनी चाहिए या मारा बुजू होनी चाहिए और सेकेंड कैंडल बहुत छोटी यानी कि प्लस साइन जैसे डोजी होनी चाहिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बाकी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में तक के लिए स्टे लर्निंग स्टे कनेक्टेड